वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम के बाद, नहीं आफ्टर वन वीक के बाद, तो एक्चुअली लास्ट टाइम आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा, तो मैं आज मैं कहाँ जा रही हूँ आपको मालूम चल गई होगी। दैट मीन्स आई एम गोइंग सिलगोडी, माय फेवरेट प्लेस, एंड काफ़ी लोगों की फेवरेट प्लेस होगी, बिकॉज वहाँ जाते समय मुझे ऐसा लगता है कि लाइक वहाँ पर मैं अपने घर जा रही हूँ। डीजे मिनाज, किरत भैया से सबसे मिलने के लिए ऐसा लगता है कि मेरा हॉलीडे हो रही है थोड़ी सी। तो आई फील वेरी वेरी गुड जब मैं वहाँ जाने के लिए मुझे इवेंट मिलता है सिलगोड़ी की तरफ, क्योंकि वहाँ पर सब मेरे अपने हैं और अपने मुझे अपने लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, जिसपे मुझे एनर्जी बहुत सारा मिल जाता है। एंड अभी कंटिन्यू, अभी हम चलते एयरपोर्ट की तरफ, निकल चुके हैं। 1 o'clock का मेरा फ्लाइट है एंड इट्स ऑलरेडी 10:45 अराउंड। कुछ थोड़ी लेट लग रहा है मेरे को, बट डर लग रहा है कि फ्लाइट छूट ना जाए। सो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ सिलगोड़ी। वेलकम बैक टू सिलगोड़ी। आई एम सो सुपर एक्साइटेड ऑलवेज। सो अभी मेरे पास प्यारे से भैया है, जो आपने काफ़ी बार मेरे ब्लॉग में देखा होगा। आज मुझे भैया फिर से लेने आए, लास्ट टाइम आपने ब्लॉग में नहीं देखा होगा क्योंकि भैया घर पे गए थे, भैया ने बोला, तो आज मुझे फिर से मेरे भैया आया मुझे लेने के लिए। आई वाज लाइक हाँ भैया हम आ गए, आप आ जाओ। लाइक घर वाले में जो घर वाले लेने आते हैं ना, वैसा ही हुआ मेरे साथ। सो अभी हम पहुंच चुके हैं, अभी मैं जा रही हूँ अपनी होटल की तरफ। एंड प्लीज बी कंटिन्यू एंड ये चेस ब्रो, मिल के अच्छा लगा। बूम करो, बूम करना भूल जाते हो। चेस गाइस, बाय, बी कंटिन्यू। अपनी होटल पहुंच चुकी हूँ एंड दिस इज माय होटल लुक्स लाइक। एंड यू नो व्हाट बेस्ट थिंग इस होटल में क्या है, आई रियली लव इट, स्विमिंग पूल। आप सुस्मिको स्विमिंग आती है रे, स्विमिंग आती है मेरे को, और ज़्यादा गहरा नहीं जहाँ तक लगता है। तो आई एम थिंकिंग टू गो देयर एंड आई हैव आई थिंक सो स्विमिंग कॉस्ट्यूम, आई डोंट हैव बट स्टिल ठीक है। मैं सोच रही हूँ कि मैं चली जाऊँ, थोड़ा सा वर्कआउट हो जाएगी। ओके चेयर्स गाइस, चलते। गाइस आई एम लिटिल बिट सैड बिकॉज मैंने रिसेप्शन में कॉल करके बोला कि कुछ क्या रूल्स फॉलो करनी है या समथिंग, क्या कुछ है बोला मैंने लाइक ड्रेस के लिए। एंड शी टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी सॉरी, कि कंपल्सरी टू वेयर अ स्विमिंग कॉस्ट्यूम बोला। तो मैंने बोला आई डू हैव अ बिकिनी, कैन आई, एंड ही वाज लाइक कुछ बोला नहीं। बट मुझे भी थोड़ी अजीब लगता है, बिकिनी मैं कभी पहनती नहीं हूँ। और ऑफकोर्स वहाँ पर स्विमिंग करूँगी तो वीडियो भी बनाऊँगी, ऐसा कुछ सीन होगा एंड आई पोस्ट ऑन यूट्यूब एंड समवेयर, एंड काफ़ी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो इसलिए मन तो है स्विमिंग करने का, वर्कआउट करने को ज़रूरत है मुझे वर्कआउट की, क्योंकि बहुत कुछ है खुले से मैं नहीं कह सकती, छोड़ो यार। तो अभी अरेंजमेंट किया है कि अगर ड्राइवर अंकल आके मुझे ले जाते सिटी सेंटर और ख़रीद के मैं आती हूँ, फिर चेंज करके फिर मैं जाती हूँ, क्योंकि रात को 9 बजे तक ये ओपन है पूल।
सुबह के 6 से लेकर रात को 9 बजे तक मैक्सिमम 1 घंटे स्विमिंग हो जाएगी। अभी वैसे भी 4 बजे 6 बजे तक 7 बजे तक फिर तैयार वैर हो जाएंगे, फिर मैं चल जाऊँगी अपनी बियर पब्लिक, थोड़ी वर्कआउट हो जाएगी, थोड़ी बॉडी खुल जाएगी एंड जो मैंने सोचा है तो लेट्स सी क्या होता है। पर स्विमिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यस, आई विश मेरे घर में स्विमिंग होता तो मैं रोज करती, रोज, और एकदम पतली होती, पतली, बट कूल, नाइस, कुछ नहीं बोलना। ठीक है, लोन से मैं ले लियो, अब चलो चलते, लेट्स गो हेड। सो इट्स मी। सो हेड का कंपलसरी नहीं है, मैंने फ़ोन करके फिर से पूछा क्योंकि मैं भूल गई, बट मैं ये लेके आई हूँ। मेरे पास ऑलरेडी घर में पड़ा हुआ है बट मैं ये उठा के लिया, बट दिस वन इज शॉर्ट्स, अंदर से बिकने वाला है, सो इट्स कूल। ठीक है, तो चलते हैं स्विमिंग करने के लिए। चीयर्स गाइस, आई एम सो मच एक्साइटेड, सो मच एक्साइटेड, चलते हैं। तो ऐसे नहीं जा सकती ऐसे, तो मैं थोड़ा सा ऐसे पहन के जा रही हूँ। ठीक है, मेरा एक्साइटमेंट अलग ही लेवल है ब्रो अभी फिलहाल तो। आई एम, आई डोंट नो व्हाई, खुद को खुश करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, तो आई थिंक ये और वो ना, आई थिंक 1000 रुपये के अंदर आ गया। नाइस ना, मुंबई दिल्ली में तो बहुत महंगा पड़ता है, बट या ऐसे चलते हैं बाहर। चल्स गाइस, चलो चलते हैं। कहीं मेरा पानी का ऑलरेडी हो चुके हैं और हम लोग लगे गंजा, बट यस। I take a swimming or almost might be 1 hour or 1.5 hours and it's good, it feels so good. ये मेरी वीडियो मेरे ब्लॉग में जाएगी ऑफ कोर्स एंड थोड़ी छोटी छोटी क्लिप्स आएगी वो मेरे रील पे जाएगी विथ सैड सॉन्ग्स के साथ, तो प्लीज़ इफ यू लाइक इट जस्ट प्ले कंटिन्यू। अभी चलते हैं, तैयार भी होना है, खाना भी खाना है, सुबह से कुछ खाया नहीं है मैंने एंड देन लेट्स गो बी अपन पब्लिक। और ये करके इतना फील गुड हो रहा है ना, सच बता रही हूँ, स्विमिंग करके इट्स फील सो गुड, बता नहीं सकती यार। सब ठीक होगा सुषमा, ओके, सब ठीक होगा। अभी चलते ऊपर जाती हूँ, नहाती हूँ, खाती हूँ और मेरा रूम इसके ऊपर है, ऊपर जो विंडो खुला हुआ है ना वो मेरा रूम है एंड या आई फील सो ग्रेट। प्रॉपर्टी इज़ वेरी वेरी गुड गाइस, कभी किसी को सिलगढ़ी रहना हो तो यू कैन स्टे हियर एंड मैं लिंक नीचे डाल दूँगी। चीयर्स, लेट मी गो, बाय, बी कंटिन्यू। मैंने सोचा था नहीं करूँगी बट सम पॉइंट मेरे को करने का मन किया तो मैं गया यहाँ से वहाँ तक और जाके लेके भी आ गई और मैंने स्विमिंग कर लिया। देख लो, जब मैं कुछ ठान लेती हूँ लाइफ में तो ठान लेती हूँ कि हाँ भाई करना है, कोशिश तो करती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, बट कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें हमारे हाथ पे नहीं होती है। आई शो यू वन थिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल सी लोकेशन, बहुत प्यारी जगह में। सो पता नहीं मैं कभी क्या क्या बोलती रहती हूँ ना, जस्ट लीव इट, बी हैप्पी ऑलवेज। थैंक्स इज माय रूम नंबर, चलो चलते हैं, भूख लग रही है बहुत तेज, हमने भूत बन रखी हूँ। मैंने कांड कर दिया, ओह
What's wrong with me? और ये मेरी यहाँ रख देते, मेरा सामान एंड स्टफ एंड यस। अभी कितना गोरी लग रही हूँ, माय गॉड, नहाने के बाद कितना गोरी लग रही हूँ। बच्चे लोग अभी भी खेल रहे हैं, बच्चे लोग, हमें कितनी गोरी लग रही हूँ। नाइस नो, चलो कैन बी कंटिन्यू। Can I do something? You want to see? After taking shower, bath, swimming, अब वक्त है खाना खाने की। तो I just thought to eat rice and all stuff, but सुषमी थोड़ा सा नहीं खा पाऊंगी, तो I order फिर क्या बोलते उसको, white sauce pasta and chai, at least तो खाने का मन है आज। तो तो अभी रेस्ट करते हैं, बाय, बी कंटिन्यू। बड़ा मन कर रहा था तो मैंने चाय ऑर्डर किया, हमेशा एक मंगवाती तो थोड़ी कम आता है, तो मैंने दो जने के लिए मंगवाई, जो मैं इतना नहीं पीऊँगा, बट स्टिल आई वॉन्ट एक्स्ट्रा टी। व्हाट आई बिलीव कि अगर मैं किसी को खाने में घर में बुला रहे हूँ या किसी को खाना दे रही हूँ, आई वॉन्ट कि एक्स्ट्रा हो, उसको भी कम ना पड़े, मुझे भी कम ना पड़े, और मैं यहाँ पर दो दूँ, मेरा बेटू भी तो है ना, तो इट्स काइंड ऑफ हॉलीडे फॉर मी, है ना। हॉलीडे चाहिए था मुझे, और हॉलीडे चाहिए, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू गो फार अवे, सो इसीलिए इट्स लाइक गो फील गुड, स्विमिंग, खाना पीना, अकेला रो होटल पे, तो और क्या चाहिए। तो या एंड यू नो वन थिंग, मैंने अपना रील के लिए एक वीडियो बनाई है, लाइक आई जस्ट होप सो मैं पोस्ट करूँगी नहीं करूँगी, आई हैव नो आइडिया, बट मैं चाहती हूँ कि वो फोटो अच्छे से, मतलब वीडियो अच्छे से बने। तो देखो मैंने ये चेयर वहाँ था, सॉरी, तो ओके, तो ये चेयर ना, ये जो था ये थोड़ी उस तरफ कोने में था, यहाँ कोने में, मैंने इसको घिसका के आगे कर दिया, और यहाँ पर ये प्रॉपर इतना सेटअप दिखाने के लिए, इतना सा सेटअप दिखाने के लिए मैंने कैमरा बॉटल के उस पर रखा, टू जस्ट लुक परफेक्ट। जब मैं होटल में आती हूँ ना, तो सबसे पहले ना मैं चेयर वियर ऐसा मैनेज करती हूँ, क्योंकि मुझे परफेक्टली पसंद है, पहले ऐसा नहीं था, बट जब से आप यू नो होता होता है ना कि लाइक एक उम्र आती है, एक वक्त आती है, एक एज होती है, आई एम नॉट दैट मच ओल्ड, बट स्टिल लाइक यू नो आई लाइक परफेक्ट, मुझे परफेक्ट अच्छा लगता है। कुछ कुछ अगर मेरे रूम पे तो इतने स्पेस नहीं है, बट यहाँ पर काफ़ी स्पेस है, तो आई वॉन्ट कि लाइक अगर मेरा रूम होता तो, मतलब मेरा रूम बड़ा होता तो मैं अपने रूम को ऐसा सजा के रखती ना, जन्नत जहाँ बोलते हैं वहाँ से मैं निकलती ही नहीं, सिंपल दैट। तो इसलिए मैं वो अपना वो ड्रीम होती है वो मैं होटल में आके ऐसे विश पूरा करती हूँ कि परफेक्ट ऐसे होना चाहिए, ऐसे लोकेशन होना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई, जस्ट आई लाइक टू डू डिज़ाइंस आजकल, कि परफेक्ट जगह में ऐसे होना चाहिए, डेकोरेट ऐसा होना चाहिए, एंडल डिज़ाइनर की तरह परफेक्ट वे होना चाहिए। तो इसीलिए जब फोटो भी बनाती हूँ तो आई डोंट लाइक कोई और क्लिक करते ना, मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, बहुत कम लोगों को अच्छा लगता है, बट काफ़ी लोगों को मुझे अच्छा नहीं लगता, बस मैं अच्छा अच्छा बोल देता हूँ, सॉरी अगर एक्स वाई जेड, सॉरी, बट इसलिए मैं खुद बनाती हूँ, तो मुझे परफेक्ट एंगल चाहिए होता है, लाइक इसमें भी मुझे परफेक्ट चाहिए था, तो आई डिड इट, यस। अभी पास्ता आएंगे, पास्ता खाएंगे, पता लग रही हूँ ना कि एक ही दिन में स्विमिंग करके, हाउ फनी, वी कंटिन्यू, मैं ऐसे बोलती रहूँ। चक्कर में मैं भूल गया वीडियो बनाना, और मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया,
how stupid I am. I am so much younger that I had it. Friend देखते देखते मैंने खा लिया और मैं वीडियो बनाना भूल के. Oops. कोई बात नहीं. So I'm ready. Today I'm wearing like this. थोड़ी cool dude बनने का मन किया. तो with my अपने वाला hairstyle. And yeah. This is I'm wearing today. I hope मैं अच्छी लग रही हूँ. अगर अच्छी नहीं लग रही तो do comments. अच्छी लग रही हो तो कमेंट्स, नहीं करना है मतलब अच्छा लग रहा है तभी भी कमेंट्स करो, नहीं अच्छा लग रहा है तभी भी कमेंट्स करो, सो देन आई कैन इम्प्रूव माई थिंग्स सो आई कैन लुक मोर अच्छा वाला. थोड़ी कूल डूड बनने का मन के था, लाइक ठीक है ठीक है, थोड़ी मोटी तो लग रही हो बट इट्स ओके. ओके भैया आ चुके लेने के लिए, आ चुके हैं मुझे लेने के लिए. टाइम टू गो, सब कुछ ले लिया, हेडफोन्स, लैपटॉप. ठीक है चलते हैं. What's up, जाट boy? मुझे सिलगोड़ी में आके मुझे एक जाट मिला है भाई, देख लो. फिर से आ गई. ये कौन सी लड़की है? कौन सी लड़की है? ये कौन सा इंसान है? My gorgeous beautiful lady, my Pari is here. So event बहुत अच्छा गया and I really enjoyed it. हम बस बाहर गए थे कुछ खा के, फिर हम आ गए क्योंकि बाहर बारिश हो रही है. And अभी चलो let's sleep. और मैं कल बताती हूँ कल क्या होती है, because कल मेरा almost 4 o'clock I have a flight. तो I have to be ready around 2:30. My driver uncle come and pick me up and then I'm going to back to my home. So yeah, so बताती हूँ कल कुछ क्या होता है क्या नहीं होता है, बट अब फिलहाल के लिए गुड नाइट. इफ यू लाइक माई वीडियो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल. लव यू ऑल ऑफ यू. नहीं नहीं गुड नाइट बाय. चलो गाइज गुड नाइट बाय. गुड मॉर्निंग गाइज. बड़ी गुड मॉर्निंग. तुम दिख ही रहे हो हाथी का बच्चा. दो दो हाथी का बच्चा. भूख लग रही है मेरे को. चलो स्टार्ट. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वंस अगेन. सो पॉइंट बात ये है कि आपने मेरा वीडियो देखा होगा कैसा मेरा इवेंट गया नॉन स्टफ. सॉरी मेरा आवाज़ के लिए, मेरा आवाज़ गया क्योंकि कल बहुत सारा आइस में LIT एक पिया मुझे, बट एक भी नहीं पी पाया. बट पॉइंट बात ये कि कल मैंने बोला था ना कि कोई सिंगल है तो चलो कोई मिंगल करने के लिए टाइप. तो मेरे साथ मिंगल करने कौन आया है मैं बताऊँ? ये लड़की मुझसे मिंगल करने आई है, तो मैं इसके साथ मिंगल कर रही हूँ. कुछ भी क्या करे हम तुम्हारा, कहाँ से ढूंढ के लेके आए हम तुम्हारे. इस लड़की के साथ मिंगल करूंगा मैं. अब कर लिया, गई है, भग भग खत्म, टाटा बाय बाय. गया ऐसा नहीं सोचने का. गंदी बातें नहीं सोचने का. कोई ना, चलो गाइस
अभी हम वेट कर रहे भैया की। मैंने मेरे प्यारी दोस्त से मोमोज मंगवाई है, ये देखो हिलने लग जाती है। क्या है, बिना पी के पार्टी वाला मूड में आ रहा था। हमारे पास तो बहुत एनर्जी होता है राइट, पता नहीं। अभी हम दोनों बैठे और मस्त यहाँ से व्यू देखते हैं क्योंकि बारिश वाला मौसम मस्त हो रखी है। सीरियसली बता रही हूँ, वेदर बहुत प्यारी है बाहर, एकदम फील सो 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 गुड। ये देखो ऐसा लटक जाएगा, मन नहीं कर रहा था वापिस आने का। कसम से ऐसे आराम से बैठो, चिल मूड, फील सो गुड एंड वी टॉक सो मच। अभी से मतलब हम कितने बजे से उठे हैं, लाइक 12 बजे से, तब से लेकर अभी तक हम बैठ के चाय पी रहे, बातें करे जा रहे। माय गॉड फील सो गुड, ट्रिप बन गई मेरी तो मस्त। एक तो मौसम यार सो फील गुड, हमने बहुत सारे बातें की, बहुत सारे मोटिवेशन पतला होना है। पता नहीं वो जाके अब फ्लाइट में तुम्हारा मोमो खा के अगर खत्म हुआ हम बता रहे। इसलिए तो बोल दे जब मोटिवेशन चाहिए तो मैं तेरे को कॉल कर लूंगी। व्हेन मोटिवेशन एकदम चलो अब लेट्स डू इट, अभी लेट्स डू इट है ना। तो पॉइंट मैं देख के अभी मैं अपना ब्लॉग जहाँ तुम यहीं खत्म कर रही हूँ। एंड इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लव यू टू, लव यू। ओह माय गॉड प्रिंसेस, जितना बॉयफ्रेंड लोग पैम्पर नहीं करते होंगे उतनी ज्यादा तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़की लड़की को करता है, बेस्ट फ्रेंड को करता है ना। कोई कोई इस चीज से एग्री है तो डू कमेंट्स बिकॉज वी वांट, आई वांट टू नो। ठीक है, दिस रिव्यू मैटर्स। यस, क्योंकि जितना हमारा बॉयफ्रेंड वैसे तो है नहीं, बट स्टिल होता है ना कि लड़का लड़की, लड़का पैम्पर करना चाहिए लड़की को ऐसे वैसे, जो लड़की लोग चाहते हैं, जो लड़का लोग भी चाहते होंगे माइट बी, बट लड़की लड़की जो दोस्त होते हैं ना वो ऑटोमेटिक। सॉरी, तो जस्ट आई जस्ट हैड अ कॉल, सो पॉइंट इज दिस कि लाइक यू नो पैम्पर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, कर लेते हैं हम लोग। सो जब He's down. ब्रदर एक भैया है हमारे पास राजा दा, वो भैया मेरे लिए मोमोज लेके आ रहे हैं। राजा दा वो मेरे लिए मोमोज लेके आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक दुकान है, मोमोज बहुत अच्छी मिलती है। Come and visit शुभम का मोमो, शुभम भैया का मोमो। ठीक है, कभी ये सिलगढ़ी में आओ तो फर्स्ट ये कौन सा, ये कौन सा होटल है, मोंटेना विस्तारा वाला होटल इज वेरी गुड। अब मैं आपने देखा होगा काफी सारे ब्लॉक में मैं यहीं पर रहती हूँ क्योंकि जब भी बियर पब्लिक से बुकिंग आती है तो उन लोगों को यहीं रखते हैं। एंड या सो ये होटल बहुत अच्छा है, सब कुछ है, फैसिलिटी, पीपल आर सो स्वीट। एंड दूसरी बात ये कि मोमोज का दुकान का नाम क्या था, शुभम कहाँ पर है लोकेशन, चंपासरी। ओके, सो वहाँ पर आना, वहाँ पर जाना और वहाँ का मोमोज ट्राई करना गाइस, अमेजिंग मोमोज एवर, बिकॉज एकदम मस्त, साइज भी बहुत मस्त है और स्पाइसी चटनी एंड बहुत प्यार से बनाते हैं एंड इसलिए मुझे बहुत पसंद है। अगर किसी को भी सिलगढ़ी आना है तो वहाँ पर ज़रूर मोमो ट्राई करना एंड यहाँ पर ज़रूर रहना और वो पानी में ज़रूर कूदना और मर जाना। ठीक है, जो कि मेरे को भी डुबाने चाहती थी, ये हुआ नहीं। आई रियली वॉन्ट टू उसको मैं डुबा दूँ बट इसको स्विमिंग नहीं आती है इसीलिए, बट इतना तक ही है पानी, ज़्यादा गहरा नहीं है। ओके, इतना भी बहुत वो है, ज़्यादा है। वैसे जिसको नहीं आता उसको डर लगता है, नो डाउट, बट आई नो हाउ टू स्विम, अगेन आई एम सेइंग #, सो पॉइंट इज दिस की लाइक इफ यू लाइक माई वीडियो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लव यू ऑल ऑफ यू एंड बी कंटिन्यू। अभी दिस कमिंग सैटरडे आई एम गोइंग भुवनेश्वर, सो सी यू दैट टाइम वाला वो वाला ब्लॉक पे। Love you all of you. Yeah. You want to see? I want to show you. It seem like this. Must hai na? Must hai yaar. See? You must be. Chale? Chale. Let's go. Let's go. Idhar aiyo zara. हम दोनों की प्यारी सी, इधर ये तो एक लड़की देखो, ये ऐसे लग रहा है कि पार्टी वाले मूड पर जा रही है अब फिर से। देखो हम दोनों के वेट भी मस्त है, उम्र भी सेम है, लाइफस्टाइल भी सेम हो रखी है, सब कुछ सिचुएशन सेम हो रखी है, फुल ऑन पार्टी मूड में, पता नहीं क्यों बट अच्छा लग रहा है हम दोनों को। इट्स लुक लाइक वी आर सिस्टर, ओह माय गॉड,
बट अनदर मदर. चलो गाइस, चीयर्स गाइस, लव यू, बाय. लड़का लोग अनमोल रतन देखो, एकदम गरीब वाले. राम राम. हाय ब्रो. हाय मोमो, तुम कैसे लेके जाएगा? हाय हाय. हेलो 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 हेलो. पकड़ो टाड़ा, मिलते हैं, हाई फाई दो, झगड़े कम करो, सब आओ, बाय बाय बोल दो. टाड़ा मिलेंगे जल्दी, चलते चलते. गाइस फाइनली मेरा भैया फिर से मुझे लेने आए हैं, मुझे एयरपोर्ट तक फेंकने के लिए, है ना ब्रो? आप मुझे एयरपोर्ट पे फेंकोगे ना? उसके ड्यूटी थोड़ी कम हो जाएगी. तो अभी मैं जा रही हूँ अपने एयरपोर्ट की तरफ. आई हैव 4 o'clock बोर्डिंग चेक एंड ऑलरेडी 2:30 हो चुके हैं. एंड यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में एटलीस्ट टेक का हाफ एन आवर. तो यहाँ पर मौसम, यहाँ पर सब कुछ बढ़िया रहा. आई टोटली एंजॉयड इट. और मैंने भैया को बहुत तंग किया एज यूजुअल, ठीक है. भैया मुझे ये चाहिए, भैया मुझे वो चाहिए, भैया मुझे यहाँ ले जाओ, भैया मुझे वहाँ ले जाओ. थैंक यू सो मच भैया, आप ही मुझे सब प्यार करने के लिए, बहन की तरह प्यार करने के लिए, ठीक है. दोस्त लोग गलत मत समझना, क्योंकि एक इनका साला है. सो अभी मैं चल रही हूँ. सो बाय बाय गाइस, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल वंस अगेन. एंड आई एम लीविंग. वेदर बहुत प्यारी हो रखी है, पीछे से बारिश आ रही है और आगे एकदम लाइट चमक रही है. सो बाय बाय. मैं अपने बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं सब करके जाऊँगी, निंग्रो बन के जाऊँगी, निंग्रो. बाय बाय.